हेलो फ्रेंड्स, वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम वेडिंग एल्बम डिजाइन कर रहे हैं उसका फर्स्ट पेज कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फर्स्ट पेज वाला टेम्पलेट यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट में फर्स्ट पेज बनाऊंगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लोजअप सेट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्लोजअप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो हम उसमें ये वाला क्लोजअप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही क्लोजअप देना है जिससे कि कवर पेज थोड़ा सा अच्छा लगे। ज़्यादा क्लोजअप देने से यहाँ कवर पेज खराब हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इस वाले लेयर को इस बॉर्डर वाले लेयर के पीछे में ले जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ इसे ड्रैग करके नीचे में ले आएंगे और इस वाले लेयर के ऊपर में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेप और ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज तैयार हो गया है। अब हम लास्ट पेज डिजाइन करेंगे। तो लास्ट पेज हम ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले वाला जो क्लोजअप है उसे हम यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला क्लोजअप यूज करेंगे। इसको यहाँ पे फिट करने के लिए हम ये वाला लेयर पहले सेलेक्ट करेंगे, लेयर 6 को, और इस वाले फोटो को इसके ऊपर में लेके चले जाना है। अब यहाँ पे हम क्लिपिंग मास्क दे देंगे कंट्रोल अल्ट जी से, और इसे यहाँ पे ठीक से सेट कर लेना है। थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक ब्राइट का फोटो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम फिर से क्लोजअप वाले फोल्डर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम ये वाला जो क्लोजअप है वहाँ यूज करेंगे। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे मास्क लगा के। ब्रश लेना है और यहाँ पे ब्लैक कलर लेना है, और ये वाला हिस्सा है इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और सीधा यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पे भी हम एक और क्लोजअप लगा सकते हैं। उसके लिए हम ये वाला क्लोजअप जो है यूज करेंगे, और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में घुमा देना है, और इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, और इस वाले लेयर को ये वाले लेयर के पीछे में लेके जाना है। अब इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और इसको हम ल्यूमिनोसिटी कर देंगे। अब यहाँ पे हम ये वाला भाग थोड़ा सा इरेज कर लेंगे मास्क से। यहाँ पे ब्लैक कलर लेना है और अपने वाले भाग को यहाँ पे इरेज कर लेना है, और इसका ओपेसिटी हम कम कर देंगे, इतना रखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट पेज भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम कवर पेज बनाएंगे। इस वाले टेम्पलेट को हम कवर पेज के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक क्लोजअप ले आना है कपल वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लोजअप वाले फोल्डर में आ जाएंगे, और ये वाला क्लोजअप जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले आपको ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है, रिसाइज हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये दोनों राउंड वायर लेयर में एक एक फोटो फिट कर लेना है। तो इस वायर लेयर में हम पहले एक फोटो फिट कर लेंगे। पहले तो यहाँ आपको क्लिपिंग मास्क दे देना है। अब हम रिसाइज बाद में करेंगे। अब दूसरा राउंड वायर लेयर है उसमें ब्राइट का एक फोटो ले आना है। अब हम यहाँ पे रिसाइज करेंगे। आपको यहाँ पे ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ देना है जिससे कि फोटो थोड़ा सा नहीं कटेगा। अब इसको भी हम रिसाइज कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम क्लिपिंग मार्क दे देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा कवर पेज भी कंप्लीट होता है, कवर पेज का फर्स्ट पेज। अब हम लास्ट पेज डिजाइन करेंगे। यहाँ पे भी आपको सिंपली राउंड वाला लायर है उसमें ब्राइड और ग्रूम का फोटोज सेट कर देना है। तो यहाँ हम ग्रूम का फोटो पहले ले आएंगे और यहाँ पे लाके ड्रैग कर देंगे। अब आपको राउंड वाला लेयर सेलेक्ट करना है और पहले कंफर्म कर लेना है वो वाला लेयर है कि नहीं। तो इसमें लायर 2 शायद राउंड वाला लेयर है, और इस वाला लेयर को राउंड वाला लेयर के ऊपर में लेके चले जाना है। तो हम यहाँ लायर 2 के ऊपर में लेके चले जाएंगे, और इसको हम क्लिपिंग मास्क दे देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। अब ब्राइट का भी एक फोटो ले आना है। अब यहाँ पे इस वाले लेयर को आपको राउंड वाले लेयर के ऊपर में लेके चले जाना है, और यहाँ पे फिर से क्लिपिंग मास्क दे देना है कंट्रोल अल्ट जी से, और इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आप अपना फोटोग्राफी का एडवर्टाइजमेंट नीचे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मेरा ही एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सेट कर लिया है वृंदा फोटोग्राफी का। तो वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल वृंदा फोटोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।